भाई सभी ने उम्मीद लगाया था हमारे करण अर्जुन जरूर आएंगे, लेकिन आया कौन? गब्बर। तो भाई जितने भी बाइक डिसकंटिन्यू हो गए थे वो सभी आपको अवेलेबल अब देखने को मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला कलर आप सभी के सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको क्रोम ब्रॉन्ज जो कि टॉप मॉडल क्लासिक में देखने को मिल जाता है, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया था लेकिन इसे फिर से ला दिया गया है। अब आपका सवाल हो सकता है कि इसमें क्या बदलाव किया गया है, उस बदलाव के साथ लाया गया है क्या वैसे ही पटक दिया गया है फिर से? तो भाई चलिए वो सभी कुछ आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले कौन कौन सी कलर आ चुकी है, जिन लोगों को थोड़ा सा लग रहा था यार ये कलर मुझे लेना चाहिए था वो बंद हो चुका है, वो अब खुश हो सकते हैं क्योंकि ये कलर फिर से अवेलेबल हो चुका है। आप सभी के सामने क्रोम ब्रॉन्ज हो गया, इसके साथ यहाँ पे क्रोम रेड हो गया। क्रोम रेड भी अभी बाइक आपको अवेलेबल मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम और दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ स्टिल्थ ब्लैक तो पहले से ही था, दो दिनों के लिए डिसकंटिन्यू हुआ था लेकिन ये फिर से अवेलेबल है। आप लोगों का बस एक ही क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इसमें कुछ मेजर डिफरेंस हुए हैं या वैसे ही बस चेंज कर वैसे ही पटक दिया गया है। तो मैं ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। इसके साथ साथ एक कलर और है जो लोगों का पसंद था लेकिन डिसकंटिन्यू हो गया था, वो है हेलकन ग्रीन का। हेलकन ग्रीन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये डुअल चैनल के साथ भी मिल जाएगा और सिंगल चैनल के साथ भी देखने को मिल जाएगा, मतलब दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए सिंगल चैनल ना, सिंगल चैनल के साथ भी देखने को मिल जाएगा और डबल चैनल, दोनों चैनल के साथ ये बाइक आपको अब अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ तक कि हेलकन जो ब्लैक था सिंगल चैनल का था, ये भी अवेलेबल अब आपको मिल जाएगा। एंड अगर यही सेम कलर अगर बात करें हेलकन ब्लैक का डबल चैनल का, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भी अभी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए डबल चैनल के साथ ये भी हेलकन ब्लैक मिल जाएगा। तो चलिए सीधे बात करते हैं सबसे पहले कि क्या भाई इसमें कोई अपडेट है या वैसे ही बस इसे पटक दिया गया, ला दिया गया, भाई अपनी अपनी बाइक को परचेस करो। तो देखो भाई अभी तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ना ही इसके लाइट में चेंजेस किया गया है। जो हेडलाइट इसकी देख रही है LED नहीं है, यहाँ पे अभी आपको हैलोजन ही लाइट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे जो भी बाइक में तीली वाली मिल रही है, स्पोक व्हील मिल रही है, उसमें आपको ट्यूब टायर मिलेगा, जो भी ट्यूब टायर है वो मिलेगा। लेकिन जितने भी बाइक में आपको अलॉय व्हील दिख रही है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अलॉय व्हील वाला एक बाइक दिखा देता हूँ, उसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आपको डार्क स्टील ब्लैक में क्या है, ये आपको अलॉय व्हील तीली दिख रही है, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। और डार्क गनमेटल ग्रे देख लीजिए, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, इसमें भी ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो लाइट है हेडलाइट है वो आपको हैलोजन ही मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो लोगों का मनपसंद था बाइक क्रोम ब्रॉन्ज, ये आप सभी के सामने मिल जाएगा और इसमें अभी हैलोजन लाइट ही मौजूद है। और साथ में यहाँ पे जो स्पोक व्हील है, इस वजह से इसमें आपको ट्यूब टायर देखने को मिलेगा। और भी ऐसे जो चेंजेस लोग मांग रहे थे, डिमांड हो रही थी कि मुझे किक चाहिए, तो भाई किक का तो उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो चीज़ें बंद कर चुकी है उसे दोबारा लाना बहुत ही मुश्किल है। हमें नहीं लग रहा कि ये चीज़ें वो किक को लाने वाला है। जो भी लोग बता रहे कि किक आने वाला है, वो 100% श्योर हो जाइए कि किक तो अब बिल्कुल नहीं आएगा। इसके साथ यहाँ पे जो ये बाइक थी, कौन सी बाइक है, रेडिच ग्रे, ये भी डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, इसे भी फिर से ला दिया गया है। जो सिंगल चैनल के साथ मौजूद है इसे भी फिर से ला दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। 12 के 12 कलर फिर से ला दिए गए हैं, आपको जो भी कलर पसंद है वो कलर आप अब ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी कलर डिसकंटिन्यू किए गए थे सारे को ला दिया गया। यहाँ पे मार्स ग्रे देख सकते हैं डुअल चैनल के साथ, मार्स ग्रे में देखेंगे तो यहाँ आपको जो मिल रहा है अलॉय व्हील के साथ नहीं मिल रही है, तीली के साथ मिल रही है। लेकिन अपडेटेड क्या है, पहले आपको अलॉय व्हील के साथ भी मिल जाती थी जो कि डुअल चैनल के साथ आती थी, लेकिन अभी आपको स्पोक व्हील के साथ ये मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं जो भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आप सभी को मैं देने वाला हूँ। उम्मीद लगा के रखिए, हो सकता है कुछ दिन में फिर से अपडेट निकल कर आए, सबसे पहले हम आप सभी को सामने देने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।